good afternoon students and today i'll be teaching you how to do addition using palm so let's continue with question number 1 in question number 1 it is given 86 plus 3 as you can see it is given 86 plus 3 so by using palm today we will going to add these all the sums so let's start with 86 plus 3 now in 86 plus 3 first we will going to add 6 plus 3 as 6 plus 3 it's ones and tens so first we will going to add the ones number the number the digits which are given in ones place we will going to add those numbers so in ones place 6 and 3 is given so we will add 6 and 3 so first we will take 6

सिक्स के बाद मुझे थ्री काउंट करना है तो सिक्स के बाद मैं थ्री काउंट करूंगी और कैसे काउंट करूंगी वन टू थ्री ऐसे ही काउंट करूँगी बट आगे की तरफ सो वन टू थ्री मैं आगे की तरफ मैंने काउंट करा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितना नंबर आया है कितना नंबर आया मेरे पास आई हैव गॉट द नंबर नाइन सो आई विल राइट हियर नाइन अंडरस्टूड नेक्स्ट नेक्स्ट आई विल एड टेंथ डिजिट्स द डिजिट्स विच आर गि इन टें्लेस आई एल बी एडिंग दोज नंबर्स नाव लेट सी फर्स्ट इट इज़ गिव इन एट एंड बिलो दैट देर इज नो नंबर कोई भी नंबर नहीं है तो हम इसको जीरो मान लेंगे ठीक है अब कोई भी नंबर नहीं है तो अगर हम ऐट में कुछ भी एड नहीं करेंगे इफ़ यू विल एड नथिंग इन एट तो हमारा आंसर क्या निकलेगा सेम एज इट इज सो हम एरो लगा के उसमें सेम एज इट इज़ एट ही लिख देंगे सो आर आंसर इज एटी नाइन एज यू कैन सी जब एट के नीचे कुछ भी नहीं है सो वील पुट द नंबर एज इट इज द डिजिट एज इट इज वी विल पुट एंड वील गोट द नंबर वील गेट द नंबर एटी नाइन लेट्स कम्प्लीट लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी वन प्लस टू एज यू कैन सी सिक्स हंड्रेड फोर्टी वन हियर वन टेंड हियर हंड्रेड्स ये वंस की प्लेस है दिस वन इज टेंस प्लेस एंड दिस वन इज हंड्रेड्स प्लेस ये हंड्रेड की प्लेस है ओके नाउ फर्स्ट वील एड द डिजिट्स विच आर गिवेन इन वंस प्लेस दैट इज वन एंड टू वंस की प्लेस पे टू डिजिट्स दे रखे हैं तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे वन और टू को ऐड करेंगे सो फर्स्ट आई विल बी टेकिंग वन और उसके बाद मैं टू लूँगी सो फर्स्ट आई विल टेक वन ईयर सो वन काउंट करूंगी तो वन अब उसके बाद मुझे क्या ऐड करना है टू ऐड करना है तो मैं टू ऐड करूंगी लेकिन कैसे ऊपर की तरफ नीचे ऑब्वियसली ऊपर की तरफ और कैसे काउंट करूंगी वन टू ऐसे काउंट करूंगी ओके सो काउंट नाउ टू वन टू तब आप देख सकते हो मुझे कौन सा नंबर मिला है मुझे नंबर मिला है थ्री सो आई विल राइट हियर थ्री एंड एज यू कैन सी फोर के नीचे कुछ भी नहीं है एज देर इज नथिंग बिलो फोर सो आई विल राइट फोर एज इट इज And six ke niche bhi kuch There is nothing, so I will write six as it is. So our answer is six hundred and forty-three. Now next question that is ninety-three-four. Same, ones is here. This one is tens. So first we'll take the digits of ones. That is three and four, and we'll add them both. So first I'll be counting three, and then afterwards four. So let's count here three. एंड देन फोर थ्री वन टू थ्री अब मेरा थ्री हो गया अब मुझे क्या लेना है फोर लेना है तो हम अब फोर लेंगे वन टू थ्री फोर आगे की तरफ हम फोर काउंट करेंगे तो मेरे पास कौन सा नंबर आया आई गोट द नंबर सेवन सो आई विल राइट यर सेवन एंड एज यू कैन सी नथिंग इज ए बिलो नाइन सो आई विल राइट नाइन एज इट इज सो वी गोट द नंबर नाइन्टी सेवन सेम हीयर वी विल राइट वंस टेंस हंड्रेड हीयर सो फर्स्ट वील एड वंस डिजिट जो भी वंस की प्लेस पर जो डिजिट हैं वो एड करेंगे दैट इज फोर एंड फाइव सो फर्स्ट आई विल भी टेकिंग फोर और उसके आगे से मैं लूँगी फाइव सो लेट स्टार्ट विथ फोर वन टू थ्री फोर अब इसके आगे से मैं क्या लूँगी फाइव इसके आगे से हमें काउंट करना है ठीक है वापस से वन से ही करेंगे वन टू

do addition here so i'll be giving you a worksheet related to addition tomorrow and be prepared for that worksheet by the time practice this sums try to do try to use your palm to solve the sums and be ready for tomorrow's worksheet thank you